नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी। इन 12 लाख दियों में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे, तो वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। 12 लाख दियों के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी सरयू आरती भी करेंगे, जैसा कि वो पिछले कई सालों से करते आए हैं। बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए थे। सरकार के मुताबिक सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी की जा रही है। बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए थे। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है और इसके अलावा 3D होलोग्राफिक और लेजर शो और आतिशबाजी भी की जा रही है। तो अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक टीम को बुलाया गया है। नेपाल के जनकपुर से आई टीम सोमवार को रामलीला का मंचन करेगी, जबकि जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से आई टीमें 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान इसका मंचन कर रही हैं। तो एक बार फिर से राम नगरी अयोध्या जगमगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पिछले साल की है जब 7 लाख दिए जलाए गए थे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। और एक बार फिर से योगी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर आज सुबह से ही तैयारियां की जा रही है। हालांकि ये 5 दिनों का उत्सव है, लेकिन आज जो है वो खास तैयारियां हैं। राम की पैड़ी सरयू तट पर पूरी तरीके से जगमग होती हुई आज अयोध्या नगरी नजर आएगी। तो मठों में भी 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ सरकार ने आह्वान किया है कि हर एक व्यक्ति अपने घर पर एक दिया जरूर जलाएं। इटली और ब्रिटेन का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी मंगलवार रात को 11 बजे ग्लासगो से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। ग्लासगो से हिंदुस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय मूल के लोग, और लोगों की गुजारिश पर पीएम मोदी ने भी ढोल पर थाप दी। ग्लासगो में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मानवता को बचाने के लिए सूर्य के साथ चलना होगा। पीएम मोदी ने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी का निर्देश दिया है और संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व के कई नेताओं के साथ 2 दिन की गहन चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल पेरिस प्रतिबद्धताओं को पार किया, बल्कि अब अगले 50 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने रोम और ग्लासगो की अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना होते हुए एक ट्विटर में ये बात कही। आप बता दें कि उन्होंने रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जबकि ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारे गृह के भविष्य के बारे में 2 दिनों की गहन चर्चा के बाद ग्लासगो से प्रस्थान, भारत ने न केवल पेरिस प्रतिबद्धताओं को पार किया, बल्कि अब अगले 50 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद कई पुराने दोस्तों को आमने सामने देखना और कुछ नए लोगों से मिलना अद्भुत था। मैं अपने मेजबान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मनोरम ग्लासगो में गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए स्कॉटलैंड के लोगों का भी आभारी हूँ। स्वदेश वापसी से पहले रंगीन भारतीय पोशाक पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए और काफी ढोल नगाड़े बजाए हैं। इस दौरान भारत लौटने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ ड्रम भी बजाया है। तो खास तस्वीरें निकलकर सामने आई और एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि ये जो वार्ता थी, ये जो पूरा सम्मेलन था G20 शिखर सम्मेलन और COP26, यहाँ पर भारत किस तरह स्टैंड करता है, भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी हैं। व
वहीं G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां टीकों की पहली खुराक देने की दर 50% से कम और दूसरी खुराक देने की दर बहुत कम है। देश में मंगलवार तक COVID-19 रोधी टीकों की 107 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मंगलवार को शाम तक लगभग 37,38,000 से ज्यादा खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा था कि भारत की 78% आबादी को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 38% को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। तो मंत्रालय ने रेखांकित किया कि देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूह को COVID-19 से बचाने के उपकरण के रूप में टीकाकरण कवायद की नियमित रूप से समीक्षा और उत्तम स्तर पर निगरानी की जा रही है। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलाधिकारियों से संवाद कर सकते हैं स्वदेश वापस लौटने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलाधिकारियों से बात करेंगे। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की 107 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। देश की रक्षा और सेवा में तैनात भारतीय सेना के जवानों को अक्सर त्योहारों के सीजन में अपने घर जाने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में ज्यादातर जगहों पर आम लोगों को उनके साथ मिलकर त्योहारों की खुशियों को बांटते देखा जा सकता है। देश में इस वक्त दिवाली की धूम देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सेना के जवान भी दिवाली मनाने में पीछे नहीं दिख रहे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जवानों ने दिवाली मनाई है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आयोजित एक दिवाली उत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान और स्थानीय लोग देशभक्ति गीतों की धुन पर नाचते देखा गया, जहां पर अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनके साथ देशभक्ति गाने पर नाचते दिखे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और काफी ज्यादा ये वायरल हो रही है। बता दें कि धनतेरस के साथ शुरू होने वाले दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है। वहीं दिवाली के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बाजारों, भीड़भाड़ वाले विभिन्न इलाकों में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बाजारों, रिहायशी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं दिवाली पर देश के ज्यादातर राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। पटाखों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान और प्रदूषण में अप्रत्याशित इजाफे को नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया। राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में पटाखों को फोड़ने पर बैन लगाया गया है। वहीं इस दौरान सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत रहेगी। तो ये तैयारियां हैं किस तरह से दिवाली के मौके पर, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से सेना के जो जवान हैं, जो भारत माँ की रक्षा करते हैं, वो भी कई बार होता है कि अपने घर नहीं लौट पाते त्योहारों पर, तो ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ वो हर त्योहार का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो दिवाली से पहले ही जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और देशभक्ति गानों पर नाचते झूमते ये दिखाई दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले मंगलवार और शनिवार को कपाट बंद होने की परंपरा लगातार रही है, हर साल ऐसा ही होता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ मंदिर में भोले बाबा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसके बाद केदारनाथ के पुजारी, तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों के साथ केदारपुरी की पहाड़ी पर बसे भैरवनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भैरवनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई। भैरवनाथ मंदिर में पुजारी ने दूध और घी से अभिषेक किया। वेद पाठियों की तरफ से वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के साथ भगवान भैरवनाथ के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, रक्षक भुंकुट भैरवनाथ के कपाट
बंद हो गए हैं। केदारनाथ से पहले भगवान भैरवनाथ यहाँ पर पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि वो पूरे केदारपुरी के रक्षक हैं, तो ऐसे में सबसे पहले पूजा उनकी ही की जाती है। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले मंगलवार और शनिवार को कपाट बंद होने को परंपरा है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी बागेशलिंग ने केदारनाथ मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसके बाद केदारनाथ के पुजारी, तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों के साथ केदारपुरी की पहाड़ियों पर बसे भैरवनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भैरवनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई और भैरवनाथ मंदिर में पुजारी ने जलाभिषेक किया, दुधाभिषेक किया और वेद पाठियों की तरफ से वैदिक मंत्रोच्चारण हवन के साथ भगवान भैरवनाथ के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए आखिरकार बंद कर दिए गए हैं। वहीं कल धनतेरस के मौके पर चमोली के सारे बाजारों में दीपावली की धूम रही। लोग सुबह से बाजार में सामान खरीदते नजर आए। बाजारों में भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोरोना काल के कारण बाजार में ग्राहक न होने से व्यापारी मायूस थे, लेकिन दीपावली के चलते बाजारों में ग्राहकों की भीड़ होने से व्यापारियों में भी खुशी देखी जा रही है। हालांकि इस बार लोग पटाखे कम मात्रा में खरीद रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए लोग ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। धनतेरस के दिन बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। जगह जगह पर पुलिस के जवान भी, गाड़ियां जो हैं वो भी मौजूद थी। तो धनतेरस से ही दीपावली त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। 5 दिनों का ये महापर्व होता है, तो ऐसे में धनतेरस से ही बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सही हो, इसको लेकर जगह जगह पर जो जवानों की गाड़ियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं और व्यापारी जो हैं, जो दुकानदार हैं, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। हालांकि अगर पटाखों की बात की जाए तो उनकी बिक्री कुछ हद तक कम हो रही है, क्योंकि एक तो पहले से ही जो बड़े पटाखे हैं जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं वो बैन है, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है, और इसके अलावा लोग भी कहीं ना कहीं कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय सिंह कोठियाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में बुधवार से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कलम से पहला हस्ताक्षर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए किया जाएगा। तो देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग लगातार की जा रही है। जेल भरो आंदोलन आम आदमी पार्टी यहाँ पर शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। 2022 के चुनावों को लेकर हर मुद्दे को बनाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग भी कर रही है। साथ ही साथ यहां पर जो कोठियाल का कहना है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर होंगे वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर होंगे। आप बता दूं कि इसको लेकर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं। जो एक तरफ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसका हम विरोध करेंगे। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत जब यहाँ पहुँचे थे, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यहाँ पर विरोध किया गया और उन्हें केदारनाथ में दर्शन नहीं करने दिए। तो ऐसे में नाराज़गी साफ है, लेकिन इसका पूरा फायदा जो है वो विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी के पुरौला में मोरी ब्लॉक के सीरगा गांव में पूर्ति डोक में आग लगने से करीब 4 मकान जल गए। इस अग्निकांड में घरों का सामान जलकर खराब हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पानी की व्यवस्था गाँव से आधा किलोमीटर दूर होने के कारण आग बुझाने में दिक्कतें आ रही थी। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो 4 मकानों में भीषण आग लगी और आग की चपेट में आकर सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की वजह क्या है, इसके पीछे कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था भी आसपास नहीं थी, इस वजह से मकानों में भीषण आग लगी और 4 मकान जलकर राख हो गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था।
उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालय राज्यों में हिमाचल के बाद दूसरे स्थान पर है। ये खुलासा रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट से हुआ है। उत्तराखंड में साल 2019 के दौरान 6% मृत्यु दर दर्ज की गई थी, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में 6.4% मृत्यु दर है, जबकि शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर 5.1% है। प्राकृतिक मौतों के मामलों में भी सबसे ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। प्राकृतिक मृत्यु दर 11% आंकी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.1% और शहरी क्षेत्रों में 10.9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी राज्य हिमाचल की मृत्यु दर जो है वो 9.6% है, जो उत्तराखंड से 0.9% ज्यादा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर ज्यादा रही। बाकी हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में उत्तराखंड की तुलना में कम मृत्यु दर रही है। इसके अलावा जन्म दर के मामले में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी हिमाचली जो राज्यों की तुलना है वो 17.1% की दर के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर बना हुआ है। रुड़की में कोरोना के बाद इस बार दीपावली पर व्यापारियों के चेहरों की रौनक लौट आई है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर जहां पिछली बार कोरोना के कारण बाजार बंद थे, तो वहीं इस बार दीपावली को लेकर बाजारों में दुकानें तो सजी हुई हैं, साथ रौनक भी काफी देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी दिनों बाद लौटी रौनक से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजार की रौनक देखकर लगने लगा है कि अब दीपावली आ गई है और उनकी भी इस साल दीपावली अच्छी तरह से मन सकेगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर तरह की दुकानें सजी हुई हैं और उन पर ग्राहक भी काफी बड़ी तादाद में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं नेहरू स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में बड़ी संख्या में पटाखों की दुकान लगाई गई है, जिन पर लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दिवाली के पहले बाजारों में रौनक दिख रही है, व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौजूद है रुड़की के नेहरू स्टेडियम पे, जहाँ पर दीपावली पे पटाखा बाजार लगाया जाता है। अगर बात करें पिछले 2 साल की, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए व्यापारी लोग जो थे बहुत निराश थे, और इस बार दिवाली की बात की जाए तो व्यापारियों में बहुत काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। कस्टमर भी काफ़ी आ रहे हैं और वहीं व्यापारियों का कहना भी है कि इस बार असली दिवाली मनाई जाएगी और पिछले 2 साल से कहीं ज़्यादा अभी कस्टमर यहाँ पर आएंगे, और हमें लगता है कि हम व्यापारी है और अब हमारा माल यहाँ से निकलेगा भी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि दिवाली को किस तरीके से लोग मनाते हैं और किस तरह दिवाली अब की बार मनाई जाती है। ये पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना चल रहा था, उसको देखते हुए अब की बार दीपावली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। मैं शहजाद राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, रुड़की। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही हैं। त्योहारों के सीजन में ईंधन की बढ़ती कीमतें आम आदमी का दिवाला निकाल रही है। वहीं तेल कंपनियों ने मंगलवार को फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। धनतेरस के दिन भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तेल कंपनियों ने राहत नहीं दी। बता दें कि यूपी में पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। हालांकि डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का दाम बढ़कर अब 106.96 रुपया हो गया है, जबकि डीजल का दाम 98.91 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल का दाम बढ़कर अब 107.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का दाम 99.12 रुपये प्रति लीटर है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी की जेब पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो यूपी में 106 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। त्योहार का सीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आती। वहीं कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं, एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2,500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो कानपुर में जीका वायरस का मामला लगातार सामने आ रहा है। कानपुर में एक और महिला जो है वो जीका संक्रमित बताई जा रही है। तो ऐसे में सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरह से डेंगू लगातार फैल रहा है, वायरल बुखार का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जीका वायरस जो है वो भी बढ़ रहा है। जीका संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक महिला संक्रमित पाई गई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
बुलंदशहर में एक सपा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को खून से पत्र लिखकर दीपावली की बधाई दी। साथ ही शुभकामना संदेश के साथ पत्र लिखने के दौरान का वीडियो भी भेजा है। बता दें कि खून से लेटर लिखने वाले सपा कार्यकर्ता का नाम आदिल जलसी बताया जा रहा है। आदिल ने अपने पत्र में लिखा कि करोड़ों युवा के खून का एक एक कतरा नेताजी और अखिलेश भैया के नाम है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर एक सपा कार्यकर्ता ने खून से अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दीपावली की बधाई दी है, साथ ही साथ कहा है कि जो युवा हैं, करोड़ों युवा हैं, उनका खून का एक कतरा जो है वो भैया जी के नाम पर है, यानी कि अखिलेश यादव के नाम पर है। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में अब एक नया मोड़ आया है और बता दें कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार 26 नवंबर तक उनकी मांगे नहीं मानती तो वो 27 नवंबर से गांव के किसान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की, देखिए। जय हिंद, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि एक साल होने वाला है, क्या सरकार आपकी बात मानेगी या फिर जिस तरह से एक साल हुआ है उसी तरह से सरकार भी बदल जाएगी? देखिए, सरकार की मानने की बात तो यह है, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साल होता आ रहा है, एक साल 26 नवंबर को पूरा हो जाएगा या तो 26 तारीख तक ये मान जाएगी। अगर ये नहीं मानेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से मनावेंगे। क्या होगा वो दूसरा तरीका? दूसरा तरीका अब क्या बता दें हम, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा तब उसके बाद हम बतावेंगे उसको। कूच तो नहीं होगा 26 जनवरी की तरह? कोई पता नहीं, हम दिल्ली कूच होगा, अगर संसद में कूच होगा, अब कहाँ कूच होगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय जो स्तर के नेता है वो जैसा फैसला लेंगे उसके आधार पर होगा। आप उनके सिपाही हैं, जैसा वो कहेंगे जैसा वो करेंगे, जैसा उनका आदेश होगा, जैसा संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा वैसा ही काम होगा। और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए आपसे ही बात करते हैं, आप बताइए, 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है तो क्या लगता है, ऐसे में किसान आंदोलन भी है और पूरे देश के किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है चुनाव पर? आने वाले टाइम में किसान ही बताएंगे इस बात पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा चुनाव में, ये तो सरकार भी समझ रही है पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और किसानों को की भी सोच है अंदर क्या है उनके, इस बारे में जो है परिवर्तन तो होना ही है। देखो, परिवर्तन तो हर चीज का जरूरी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा जरूर। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या परिवर्तन हो जाएगा अगर किसान आंदोलन के 3 बिल माफ नहीं होते हैं तो? अगर किसानों के 3 बिल माफ नहीं होते हैं, किसान जो है इतनी महंगाई से, इतनी परेशानी से जूझ रहा है देश का, पेट्रोल के डीजल के जो चीज किसान के यूज में आने वाली, यानी आम जनता के भी आने वाली हैं, उसके यूरिया के दाम, उसकी डाई के दाम, उसके गन्ने में 5 रुपए बढ़े 5 साल में, किसान बहुत परेशान हैं। और ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार ये दोबारा आ पाएगी बीजेपी या ना आ पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, जहां एक तरफ चुनाव है वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन अपना एक साल पूरा करने वाला है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार और किसान के बीच किसी तरह का समझौता होता है या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से चल रहा है ऐसा ही आने वाले एक साल के बाद भी निरंतर चलता रहेगा। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हमारे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।